हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये है यूट्रस एंड उसके ऑर्गन्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले बात करें तो ये जो पार्ट होगा ये होगी वेजाइना, ठीक है। उसके बाद में वेजाइना के अंदर ये वाला पार्ट होगा सर्विक्स, जो कि यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे होता है यूट्रस का इंटरनल ओस एंड यहाँ पे होता है सर्विक्स का, यहाँ पे होता है सर्विक्स का इंटरनल ओस और यहाँ होता है एक्सटर्नल ओस, ठीक है। और ये हो गई सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि ठीक है, उसके बाद में यूट्रस देखते हैं ऊपर से। तो ये फॉर्मेशन है, ये पूरा यूट्रस है, ठीक है। इसके अंदर ये ऊपर वाला पार्ट हो गया यूट्रस का फंडस, फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक है। और ये पार्ट हो गया बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। और ये हो गई अंदर इसकी कैविटी, यूट्रस की कैविटी हो गई अंदर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यूट्रस की तीन लेयर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर जो इनर लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद में जो होती है मायोमेट्रियम, और जो सबसे आउटर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये वॉल होती है यूट्रस की, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये दोनों तरफ ये स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स के भी चार पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं एम्प्यूला, तो इसमें सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले स्थमस होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि यूट्रस से जॉइंट होता है, यूट्रस और फैलोपियन का जॉइंट होता है यहाँ पे, स्थमस होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है एम्प्यूला, ठीक है। उसके बाद में होती है इनफंडिबुलम, एंड जो लास्ट पार्ट होता है इसका होता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एंड पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स या यूटेराइन ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इसके लिगामेंट्स देखते हैं यूट्रस के, कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। तो ये होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। उसके बाद में ये वाले होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड ये होगी ओवेरियन ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे होते हैं मेजोसार्फिंग्स, ये यहाँ पे होता है मेजोवेरियम, एंड यहाँ पे होता है मेजोमेट्रियम, ठीक है। ये तीनों ब्रॉड लिगामेंट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ पे यूरेटर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये यूटेराइन ब्लड वेसल्स जो यूट्रस तक जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये स्थमस होता है यूट्रस का लोअर पार्ट, यहाँ पे स्थमस होता है। यहाँ होता है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, ठीक है। यहाँ होता है लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। और ये जो फोर्निक्स होते हैं, ये जो दो देख रहे हैं आप, ये लेटरल फोर्निक्स होती हैं, ठीक है, जो सर्विक्स के दोनों साइड होती हैं, लेटरल फोर्निक्स, ठीक है। और यहाँ पे सर्विक्स होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखते हैं इसके ओवरव्यू, देखते हैं सबसे पहले द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिज़ाइन टू कैरी आउट सेवरल फंक्शन, ठीक है। बहुत से जो फंक्शन हैं उनको कैरी आउट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फोर इज द नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना का नॉर्मल पीएच होता है वो 4 होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड होता है, वो 40 वीक का होता है, ठीक है। और 400 ओसाइड जो होते हैं वो ओवरी से रिलीज होते हैं बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपॉज, ठीक है। जब से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर मेनोपॉज तक 400 ओसाइड रिलीज होते हैं। उसके बाद में 400,000 ओसाइड प्रेजेंट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे 400,000 ओसाइड प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 400 ही ओसाइड रिलीज हो पाते हैं। उसके बाद में 28 डेज इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। 280 डेज, ठीक है, जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है वो 280 डेज का होता है, ठीक है। ठीक है, जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है वो 280 डेज का होता है, और दूसरे अगर बात दूसरे वर्ड में कहें तो 40 वीक का, ठीक है। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ओजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एग ओवम इन द ओवरी, ठीक है। ओगोनिया मीन्स क्या होता है, ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ द ओगोनिया डिवाइडेड टू फॉर्म प्राइमरी ओसाइट एट प्यूबर्टी, दीज विल फॉर्म सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। जब ओगोनिया मीन्स जब फीटल ग्रोथ हो रही होती है, जब एक फीमेल जब फीटल फॉर्म में होती है तो उसकी उसकी जो ओवरी में जब ओगोनिया का डेवलप ग्रोथ होती है तो उसको प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब प्यूबर्टी के टाइम पे उसको सेकेंडरी ओसाइट कहलाते हैं। उसके बाद में लेटर एग ईच मंथ, उसके बाद में हर महीने एग का रिलीज होता है, ठीक है, हर महीने एग ओवम का रिलीज होता है। उसके बाद में ग्रेनुलोसा सेल्स नरिश द डेवलपिंग एग सेल। जो ग्रेनुलोमा सेल्स होते हैं वो जो डेवलपिंग एग सेल्स होती हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करते हैं। उसके बाद में देखते हैं फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का फॉर्मेशन करना, परसेप्शन ऑफ स्पर्मेटो, जो स्पर्म का रिसेप्शन करना, ठीक है, स्पर्म को रिसीव करना, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। पार्टोरिशन मतलब लेबर की प्रोसेस को करवाना, और लैक्टेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट टू द बेबी एंड इट्स अर्ली लाइफ। उसके बाद में इसके डिवीजन देखते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके थ्री पार्ट में, मेनली तो दो पार्ट में बांटते हैं इसको, एक्सटर्नल जेनिटालिया एंड इंटरनल जेनिटालिया। लेकिन इसके साथ में एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, जैसे कि ब्रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटालिया को देखेंगे हम, एक्सटर्नल जेनिटालिया या फिर वल्वा, ठीक है। तो इसके अंदर ये इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मोन्स प्यूबिस, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखिए आप लेबिया माइजोरा, ये लेबिया माइजोरा होती है, ये लेबिया माइनोरा होती है दोनों साइड, ठीक है, और ये यूरेथलर ओरिफाइज, ठीक है, और ये हो गए यहाँ पे वेजाइनल ओरिफाइड एंड साथ में रप्चर्ड हाइमन। एंड यहाँ पे होता है क्लाइटोरिस, प्रिप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है, एंटीरियर साइट में, ठीक है। और ये जो पार्ट, पूरा पार्ट जो होता है, ये जो ट्राइंगुलर पार्ट जो होता है वो वेस्टिबुल कहलाता है, इसमें ये पूरा पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है एनस, ठीक है। और यहाँ पे होती है ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ पे होती है मोन्स प्यूबिस मतलब हेयर स्ट्रक्चर। उसके बाद में द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका क्या फंक्शन होता है, टू अनेबल स्पर्म टू एंटर द बॉडी, ठीक है, जो स्पर्म है उसको बॉडी के अंदर एंटर करवाना और प्रोटेक्ट द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और इंटरनल ये हो गया एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव के फंक्शन। अब है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव के फंक्शन, इंटरनल के क्या काम है, द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन फॉर्म ए पाथवे द जेनाइटल ट्रैक्ट। तो मैं आपको एक बार इंटरनल ऑर्गन और दिखा देती हूँ, ये हो गया जो मैंने आपको फर्स्ट इमेज में दिखाया था, ठीक है, ये हो गया यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब्स एंड दोनों तरफ ओवरीज, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ पाथवे, जो एंड जेनिटल ट्रैक्ट, द पाथवे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है वो एक पाथवे का निर्माण करता है, उस पाथवे में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वेजाइना, ठीक है, पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, जो कि एक बर्थ कैनाल का पार्ट है, वेयर स्पर्म आर डिपोजिट एंड फ्रॉम विच इज ए बॉडी कैन इमर्ज, ठीक है, वेजाइना का क्या काम होता है कि स्पर्म का डिपोजिशन होता है वहाँ पे, ठीक है, और बेबी को लेबर के टाइम में वो बेबी लेबर प्रोसेस के दौरान बेबी वहाँ से पास आउट होता है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू। उसके बाद में यूट्रस, यूट्रस का क्या काम है, वेयर आर एम्ब्रियो कैन डेवलप इनटू फीटस, ठीक है, एम्ब्रियो फीटस के रूप में डेवलप होता है यूट्रस में, और फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स वेयर द स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन एग, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स में जो स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, और ओवरीज विच प्रोड्यूस एंड रिलीज एग, ठीक है, ओवरीज में एग्स का प्रोडक्शन होता है और वहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो एक्सटर्नल में होता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफाइस एंड हाइमन, पार्थोलियन ग्लैंड एंड स्किनीज ग्लैंड एंड वेस्टिब्यूल बल्ब, ठीक है। इंटरनल में होता है वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स देखते हैं, तो पहला है मोन्स प्यूबिस, ए रीजन ऑफ एडिपोस टिश्यू अबव द वेजाइना दैट इज कवर्ड विद हेयर, ठीक है। तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, ये एक एडिपोस टिश्यू का एक पैड होता है जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें वुमेन में प्यूबर्टी के बाद में यहाँ पे हेयर पार्ट कवर्ड से हेयर पार्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेबिया, तो लेबिया में रिच इन नर्व एंडिंग एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन अगेंस्ट पैथोजन, लेबिया जो होती है इंटरनल ऑर्गन को पैथोजन के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और इसके अंदर नर्व एंडिंग होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, फंक्शन इन सेक्सुअल अराउजल, ठीक है। उसके बाद में लेबिया के दो पार्ट होते हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। सबसे पहले लेबिया मेजोरा देखते हैं, हैज टू फोल्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एंड बॉर्डर ईच साइड ऑफ वेजाइना, द लेबिया माइजोरा एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये लेबिया माइजोरा क्या होती है कि ये वल्वा के दोनों साइड में स्किन और फैटी टिश्यू या सबक्यूटेनियस टिश्यू के एलिवेशन से बने हुए दो फोल्ड होते हैं, जिसको कि लेबिया माइजोरा कहते हैं, और ये मोन्स प्यूबिस के बीच से शुरू होकर परप्यूरियम के पीछे और एनस से पहले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है, इसे पोस्टीरियर कमिशर कहते हैं, ठीक है। और लेबिया माइजोरा के दोनों फोल्ड की आउटर जो स्किन होती है, आउटर सरफेस स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर होती है, ठीक है, और जो ईच फोल्ड होता है उसके वो 7.9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2.4 सेंटीमीटर वाइड होता है,
ठीक है, और 1.15 सेंटीमीटर विड्थ होता है, ठीक है। और जो लेबिया मेजोरा है इसकी इनर सरफेस है वो हेयरलेस होती है, उसमें हेयर नहीं होते इनर सरफेस पे, ठीक है। और इसको लार्ज लिप्स के नाम से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। लेबिया उसके बाद में लेबिया माइनोरा आर स्मॉलर फोल्ड फोरचेट ऑफ स्किन दैट लाई इनसाइड द लेबिया माइजोरा कंटेन नो हेयर फॉलिकल और स्वीट ग्लैंड, ठीक है। फोल्ड कंटेन कनेक्टिव टिश्यू न्यूमरस सीबेसियस ग्लैंड इरेक्टाइल मसल्स फाइबर एंड न्यूमरस वेसल्स एंड नर्व एंडिंग, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा है, इसके अंदर क्या होते हैं कि स्किन के दो थिन फोल्ड होते हैं जो कि लेबिया माइजोरा के दोनों फोल्ड के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें फैटी टिश्यू नहीं होते, ठीक है। ये केवल लेबिया माइजोरा को सेपरेट करने पे ही दिखाई देती है, ठीक है। और एंटीरियरली जो लेबिया माइनोरा है वो क्लाइटोरिस को क्लोज करने के लिए डिवाइड हो जाती है, उसके बाद में क्लाइटोरिस के आगे और पीछे से दोबारा जुड़ने के बाद में जब लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के आगे से जुड़ती है, कनेक्ट होती है, तो उस जंक्शन को प्रीप्यूज कहते हैं, ठीक है। और जब लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड क्लाइटोरिस के पीछे से जोड़ते हैं तो उस जंक्शन को फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा का लोअर पोर्शन है वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, और स्किन के फोल्ड बनाता है जिसको फोरचेट कहते हैं। और लेबिया माइनोरा में किसी भी तरह के हेयर फोलिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू सीबेसियस ग्लैंड इरेक्टाइल मसल्स फाइबर वेसल्स और नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या होती है कि एक स्मॉल सिलेंड्रिकल व इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसका मेजरमेंट होता है 1.5 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वेल्वा के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो क्लाइटोरिस है वो क्या होती है, स्मॉल और सेंसिटिव प्रोट्यूजन होता है। और जो क्लाइटोरिस होता है वो मेल के पेनिस के जैसा सेंसिटिव और हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेक्सुअल इंटरक्रोस के दौरान होने वाली ऑर्गेज्म के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में वेस्टिबुल, द वेस्टिबुल इज फॉर्म बाय लेबिया माइनोरा, ठीक है। वेस्टिबुल होता है वो लेबिया माइनोरा से बना होता है, लेबिया माइनोरा से जो बनता है, ठीक है। इट क्लोज यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, इसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओरिफाइस एंड हाइमन होता है और डक्ट फ्रॉम ग्रेटर वेसल्स होती है, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके एंटीरियरली तो क्लाइटोरिस होता है और पोस्टीरियरली फोरसेट होता है और दोनों साइड में लेबिया माइनोरा से कवर रहता है, ठीक है। उसके बाद में यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफाइस, तो यूरेथ्रल ओरिफाइस जो होता है वो वेजाइनल ओरिफाइस के जस्ट फ्रंट में और मिडलाइन में प्यूबिक आर्क से 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद में वेजाइनल ओरिफाइस एंड हाइमन, तो वेजाइनल ओरिफाइस जो होता है वो वेजाइनल ओरिफाइस वेस्टिबुल के पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होता है और इसमें वेजाइनल इंट्रोइटस भी कहते हैं, ठीक है, इसको वेजाइनल इंट्रोइटस भी कहते हैं। और इसकी जो साइज और शेप है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और वर्जिन या फिर नल्ली पेरस वुमेन में ये ओपनिंग लेबिया माइनोरा से क्लोज्ड रहती हैं, जबकि पेरस वुमेन में ये ओपनिंग एक्सपोज्ड या फिर ओपन रहती है, ठीक है। और नल्ली पेरस या वर्जिन वुमेन में ये ओपनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन के थिन
सेप्टम से पार्शियली क्लोज होती है, जिसको कि हाइमन बोलते हैं। ठीक है, इसको थिन सेप्टम को हाइमन बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन सेक्सुअल इंटरक्रॉस के दौरान रप्चर हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में डक्ट फ्रॉम ग्रेटर वेस्टिब्यूल। उसके इसमें देखते हैं सबसे पहले बार्थोलिन ग्लैंड। देर आर टू बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं, वन ऑफ ईच साइड। ठीक है, एक दूसरे के ईच साइड में कहाँ कहाँ जो वेजाइनल ओरिफाइज है उसके दोनों ओर में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजिशन में ये दोनों स्मॉल बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी की ओपनिंग होती है। इसको इनको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो वेजाइनल ओपनिंग को ल्यूब्रिकेट करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक है, उसके बाद में होता है स्किनीज ग्लैंड। स्किनीज ग्लैंड भी द लार्जेस्ट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटालिया की ब्लड सप्लाई, तो आर्टरी जो होती है वो ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंटल आर्टरी। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई किससे होती है, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी की ब्रांच से होती है, और जो कि ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी होती है। ठीक है, उसके बाद वेन्स, तो वेन्स भी इंटरनल पुडेंटल वेन और वेसिकल और वेजाइनल वेनस प्लेक्सस और लॉन्ग स्पिनीज वेन के थ्रू वेनस सप्लाई होती है। उसके बाद में नर्व सप्लाई, तो बाइलेटरल सोमेटिक नर्व। ठीक है, नर्व सप्लाई होती है। इसमें क्या होता है कि मेली वल्वा में की नर्व सप्लाई पुडेंटल नर्व की ब्रांचेस के थ्रू होती है। ठीक है, वेजाइनल नर्व वेस्टिबुलर बल्ब और क्लाइटोरिस की नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज किससे होता है, तो वल्फा का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो मेनली इनगुइनल ग्लैंड के थ्रू होता है। ठीक है, सुपरफिशियल इनगुइनल नोड्स, इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ इनगुइनल लिम्फ नोड एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। उसके बाद में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है वेजाइना, तो वेजाइना या बर्थ कैनाल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक ये ट्यूब लाइक और मस्कुलर बट इलास्टिक ऑर्गन होता है। ठीक है, अबाउट 4 to 5 inches लॉन्ग इन अडल्ट वुमेन। ठीक है, इसका पीएच होता है 4, एसिडिक पीएच होता है इसका। इट इज पासवे ऑफ स्पर्म टू द एग एंड द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ऑर्गन ऑफ कोपुलेशन एंड फॉर्म द बर्थ कैनाल ऑफ पार्टुरिशन। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर भी इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है पिंक कलर की, ये होती है वेजाइना, जो कि ये सजाइटल पार्ट में दिखाया गया है ऑर्गन्स को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वेजाइना का, इसके पोस्टीरियर वाल ऑफ वेजाइना 10 centimeter लॉन्ग, जो पोस्टीरियर वाल होते हैं वेजाइना की वो 10 centimeter लॉन्ग होती है, और जो एंटीरियर वाल होती है वो 7.5 centimeter लॉन्ग होती है। ठीक है, और अपर एंड ऑफ वेजाइना इज नोन एज वॉल्ट। ठीक है, एंड पिंक इन अपीयरेंस होती है। इट कनेक्ट द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन टू द यूट्रस। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से यूट्रस को कनेक्ट करने का काम करती है, और ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन वुमेन। ठीक है, उसके बाद में फोर्निक्स ऑफ वेजाइना फॉर्म एट द टॉप ऑफ वेजाइना ड्यू टू प्रोजेक्शन ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स। फोर फोर्निक्स आर देयर। ठीक है, वन एंटीरियर फ्रंट ऑफ सर्विक्स, फ्रंट के सामने होती है, फोर फोर्निक्स होते हैं वेजाइना में। ठीक है, जो कि एक होता है सर्विक्स के सामने। ठीक है, वन पोस्टीरियर जो बिहाइंड होता है सर्विक्स के, और टू लेटरल जो कि आइदर साइड ऑफ सर्विक्स होते हैं।
ठीक है। उसके बाद में रिलेशन ऑफ वेजाइना, रिलेशन क्या होता है वेजाइना का, एंटीरियर टू द वेजाइना, तो एंटीरियरली जो होता है वेजाइना के वो ब्लैडर, ठीक है, लाई द ब्लैडर, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है, ठीक है, विच आर क्लोजली कनेक्टेड टू द एंटीरियर वेजाइनल वॉल, एंड पोस्टीरियर टू द वेजाइना क्या होता है, लाइज द पाउच ऑफ डगलस, ठीक है, वेजाइना के पोस्टीरियर में होता है डगलस पाउच होता है, द रेक्टम एंड द पेरिटोनियल बॉडी, ठीक है, इज ऑक्यूपाइड द 1/3 ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, एंड लेटरल साइड में क्या होता है वेजाइना की, 1/2 आर पेल्विक फेशिया एंड द यूरेटर, ठीक है, पेल्विक फेशिया यूरेटर एंड पास बिसाइड द सर्विक्स, सुपीरियर ऑफ वेजाइना क्या होता है, लाइज द यूट्रस, यूट्रस होता है, इन्फीरियर वेजाइना क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। उसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं, ठीक है, एक चीज और देखते हैं इसकी कि जो वेजाइना होती है उसकी 3 लेयर होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जो कि आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर या फिर आउटर कवरिंग जो होती है वो एरियोलर टिश्यू से बनी होती है, और मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल से होती है, और जो इनर लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी होती है, ठीक है, और वेजाइना के अंदर कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है, बट जो सर्वाइकल सिक्रीशंस होते हैं उनसे ही जो सरफेस होती है वेजाइना की वो मोस्ट बनी रहती है, ठीक है, और प्यूबर्टी और मेनोपोज के टाइम पे वेजाइना में लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो लैक्टिक एसिड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वेजाइना की, वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक बना रहता है। अब देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई, तो आर्टरी सप्लाई किससे होती है, सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियक आर्टरी, ठीक है, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी, ठीक है, वेन किससे सप्लाई होती है, इंटरनल इलियक वेन से एंड इंटरनल पुडेंटल वेन से, लिम्फेटिक ड्रेनेज किससे होता है, इंटरनल इलियक ग्रुप, ठीक है, और सुपरफिशियल इनग्विनल ग्रुप, और नर्व सप्लाई किससे होती है, नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक फ्रॉम द पेल्विक प्लेक्सस एंड लोअर पार्ट इज सप्लाई बाय द पुडेंटल नर्व। उसके बाद में यूट्रस, नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं यूट्रस, गर्ल आर बोर्न विद ओवर 1 मिलियन एग सेल बट ओनली अबाउट 400 आर रिलीज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, नो न्यू एग डेवलप आफ्टर बर्थ। यूट्रस, तो ये आप पर्पल कलर देख रहे हैं वो है यूट्रस, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, द यूट्रस इज थिक वॉल्ड मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन होता है, ठीक है, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पेल्विस बिहाइंड द ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, द यूट्रस इज एंचर्ड इन पोजिशन बाय सेवरल लिगामेंट्स, ठीक है, यूट्रस जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है किसके द्वारा, बहुत से लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस जो है अपनी जगह पे फिक्स रहता है, द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ सर्विक्स एंड द मिनी बॉडी कॉर्पस, द सर्विक्स इज लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है, सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है विच प्रोट्रूड्स इनटू अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द पेल्विक एग्जामिनेशन लाइक द वेजाइना, द सर्विक्स इज लाइंड विद ए म्यूकस मेम्ब्रेन बट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सर्विक्स इज स्मूथ, स्पर्म कैन एंटर एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड कैन एग्जिट द यूट्रस थ्रू द चैनल इन द सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू ही स्पर्म एंटर कर सकते हैं यूट्रस में और उसके द्वारा ही मेंस्ट्रुअल ब्लड आउट होता है, द सर्वाइकल कैनाल इज यूजुअली नैरो, सर्वाइकल कैनाल यूजुअली नैरो होती है, ठीक है, बट ड्यूरिंग लेबर जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसकी वो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है, वो वाइडन हो जाती है बेबी को पास करने के लिए, द सर्विक्स इज यूजुअली ए गुड बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया,
ठीक है, सर्विक्स जो बैक्टीरियल बैरियर के लिए भी एक गुड बैरियर होता है, क्योंकि वो जो क्लोज रहती है तो बैक्टीरिया जो होता है वो यूट्रस में नहीं जा पाते एक्सेप्ट अराउंड द टाइम द एन एग रिलीज बाय ओवरी, ठीक है, ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ड्यूरिंग लेबर के टाइम को छोड़कर बाकी टाइम में जो सर्विक्स होती है वो गुड बैरियर होती है बैक्टीरिया के लिए। और उसके बाद में इसके फंक्शन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस इज टू सस्टेन ए डेवलपिंग फिटस, ठीक है, प्रिपेयर फॉर दिस पॉसिबिलिटी फॉर ईच मंथ एट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट एक्सपल्ड द यूटेराइन कंटेंट, ठीक है, जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि डेवलपिंग फिटस को जो है सस्टेन रखना, ठीक है, और हर एवरी मंथ जो होता है वो प्रिपेयर रहता है यूट्रस, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के टाइम में यूटेराइन कंटेंट को एक्सपल आउट भी करता है। उसके बाद में इसका रिलेशन देखते हैं। एंटीरियरली द यूटेरो वेसिकुलर पाउच एंड द ब्लैडर, एंटीरियर जो होता है इस यूट्रस के वो होता है यूटेरो सर्वाइकल पाउच होता है और ब्लैडर होता है, पोस्टीरियर होता है रेक्टो यूटेराइन पाउच ऑफ डगलस, ठीक है, जो डगलस पाउच होता है वो होता है पोस्टीरियर साइड में और इसके लेटरल साइड में होते हैं ब्रॉड लिगामेंट एंड यूटेराइन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स होती है, सुपीरियर इसके होती है इंटेस्टाइन एंड इन्फीरियर होती है वेजाइना। उसके बाद में मेजरमेंट एंड पार्ट, तो यूट्रस का मेजरमेंट देखते हैं। मेजर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूट्रस, ठीक है, 7.5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है एवरेज एंड 5 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड 1.25 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है, और इसका वेट जो होता है वो 40 to 50 ग्राम होता है। पार्ट कौन कौन से होते हैं यूट्रस के, बॉडी ऑफ कॉर्पस, फंडस, कॉर्नुआ, स्थमस, सर्विक्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओस एंड सर्वाइकल कैनाल। उसके बाद में यूट्रस की लेयर्स देखते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। सबसे पहले देखते हैं एंडोमेट्रियम, द इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम, ठीक है, और डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए नरिशमेंट का काम करती है, ठीक है, और हर महीने प्रेगनेंसी के लिए बिल्डअप होती है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड ऑफ हो जाती है। और मायोमेट्रियम जो होती है वो मस्कुलर और होती है और फीटस को सपोर्ट करती है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एट बर्थ एंड टू सेट द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। पेरीमेट्रियम इज ए सीरस मेम्ब्रेन होती है पेरीमेट्रियम एंड लाइन द आउटसाइड द यूट्रस। जो पेरीमेट्रियम होती है वो यूट्रस के आउटसाइड में होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है। ब्लड सप्लाई यूट्रस की किससे होती है, आर्टीरियल सप्लाई जो होती है वो यूटेराइन आर्टरी से होती है, जो कि ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की, ठीक है, वेन जो होती है वो भी इंटरनल इलियक वेन होती है। और लिम्फेटिक जो होता है, लिम्फेटिक डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, और जो नर्व सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद में देखते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, और ओविडक्ट भी बोलते हैं इनको, कनेक्ट टू ईच ओवरी, ठीक है, हर ओवरी से, दोनों तरफ की ओवरी से कनेक्ट रहती हैं। एग्स विल एंटर थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड फिम्ब्रिय, जो कि इसकी ओपनिंग होती है फिम्ब्रिय, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके थ्रू एग एंटर करता है, और सीलिया जो होती है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर सीलिया होती है, ठीक है, जो कि मूव करती रहती है, सीलिया जो होती है वो स्वीप द एग डाउन टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ एग को धकेलती रहती है। फर्टिलाइजेशन विल अकर हेयर, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब्स में ट्यूब में होता है, ठीक है, जो एम्पुलरी पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब्स का उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एंड इट विल बी डाई विद इन 48 आवर्स। फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट, ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होती है फेलोपियन ट्यूब।
टू फेलोपियन ट्यूब्स विच आर अबाउट 4 to 5 inches, मतलब 10 to 30 centimeter लॉन्ग। दोनों तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो हर एक फेलोपियन ट्यूब की लंबाई जो होती है 10 to 30 centimeter लॉन्ग होती है, ठीक है। और जो ये फैली कहाँ तक रहती हैं, अपर एज ऑफ यूट्रस टू ओवरी, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब्स आर लाइन विद टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर एक टीनी हेयर लाइन स्ट्रक्चर या हेयर लाइन प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको कि सीलिया बोलते हैं। द सीलिया एंड द मसल्स इन द ट्यूब वाल प्रोपेल द एग डाउनवर्ड थ्रू द ट्यूब टू द यूट्रस। द एग मे बी फर्टिलाइज बाई द स्पर्म इन द फेलोपियन ट्यूब। रिलेशन देखते हैं फेलोपियन ट्यूब का, तो एंटीरियरली एंड पोस्टीरियर एंड सुपीरियरली किससे होते हैं ये, द पेरिटोनियल केविटी एंड इंटेस्टाइन से कवर रहती है। और लेटरली जो होती है वो साइड वॉल ऑफ पेल्विस होता है। और इन्फीरियर जो इसके होते हैं वो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं और ओवरीज होती हैं। और मिडल में होता है दोनों फेलोपियन ट्यूब्स के बीच में यूट्रस, ठीक है। इसके पार्ट इंटरस्टिशियल पोर्शन या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट, ये एक ही होता है। और स्टमस पार्ट, एम्पुलरी पार्ट एंड इनफेंडिबुलम पार्ट, ठीक है। और इसके दो इंटरस्टिशियल पार्ट या इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, ये जो जंक्शन होता है यहाँ पे यूट्रस और जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उस पार्ट को इंटरस्टिशियल पार्ट बोलते हैं। उसके बाद में स्टमस होता है, फिर एम्पुला होता है, उसके बाद में इनफंडिबुलम विद फिम्ब्रिए होता है। उसके बाद में ब्लड वेसल्स देखते हैं, तो ब्लड वेसल्स की जो आर्टरी सप्लाई होती है, यूटेरिन आर्टरी और ओवेरी आर्टरी सप्लाई करती है, और वेन भी ओवेरिन वेन सप्लाई करती है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है अलोंग विद ओवेरियन वेसल्स टू पैरा एओर्टिक नोड। नर्व सप्लाई जो होती है वो होती है यूटेराइन एंड ओवेरियन नर्व से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ओवरीज, ठीक है। ओवरीज क्या होती है कि ओवरीज क्या होती है, यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है और ये सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल में गोनेट्स होती हैं, जो कि फीमेल में ओवम और सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। जो ओवरीज जो होती है वो यूजुअली पर्ल कलर की होती है और ओब्लॉग एंड साइज ऑफ वॉलनट साइज की होती है, ठीक है। और यूट्रस से ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहती है ओवरी, ठीक है। और उसके बाद में जो सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका रिलीज करती है, और मेल सेक्स हार्मोन का भी रिलीज करती है। डेवलपिंग एग सेल ऊसाइड आर कंटेनिंग इन फ्लूड फील्ड कैविटी फोलिकल्स, मतलब फोलिकल्स जो होते हैं फ्लूड फील्ड कैविटी होती है, उनके अंदर जो ऊसाइड्स होती हैं, एग सेल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, जो कि ओवरी के वॉल में होता है, ठीक है। जो फोलिकल्स होते हैं वो ओवरी के वॉल में प्रजेंट होते हैं, ठीक है। और ईच फोलिकल, हर फोलिकल्स में एक ऊसाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका रिलेशन, तो एंटीरियरली इसका जो रिलेशन होता है वो ओवरी से होता है, ठीक है। एंटीरियर टू द ओवरी आर द ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट से ओवरी का एंटीरियरली जो ओवरी होती है वो ब्रॉड लिगामेंट से अटैच रहती है। पोस्टीरियर जो ओवरी होती है वो इंटेस्टाइनल से अटैच रहती है। लेटरली जो ओवरी का कनेक्शन होता है वो इन्फंडी बुलो पेल्विक लिगामेंट एंड साइड वॉल ऑफ पेल्विस। और सुपीरियरली ओवरी के यूटेराइन ट्यूब्स होती हैं, और इन्फीरियरली जो होता है वो ओवेरियन लिगामेंट होते हैं। उसके बाद में इसके ओवरी के स्ट्रक्चर देखते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स।
तो सबसे पहले मेडुला, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क मेड ऑफ फिम्ब्रियल टिश्यू, हैज ओवेरियन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक एंड नर्व ट्रेवल थ्रू इट। तो मेडुला जो होता है वो ओवरी के सेंटर में होता है, ओवरी का सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होता है, और फाइब्रो टिश्यू, नर्व और ब्लड वेसल्स से मिलके होता है, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स होता है वो ओवम का, ओवरी का जो होता है फंक्शनल पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल की डिफरेंट स्टेजेस होती है वो इसी में कॉर्टेक्स में ही होती है, ठीक है। और ये मेडुला को घेरे रखती है चारों तरफ से, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू और जर्मिनल एपिथीलियम से होता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो आर्टरी कौन सी सप्लाईज करती है इसको, ओवेरियन एंड एब्डोमिनल एओर्टा, एंड वीनस जो होता है वो ओवेरियन वेन, एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो ओवेरियन वेसल्स टू पैरा एओर्टिक नोड्स के थ्रू लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई किससे होती है, इसकी नर्व सप्लाई जो होती है ओवेरियन नर्व फ्रॉम T10th सेगमेंट, तो T10th सेगमेंट से सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। उसके बाद में ओवुलेशन देखते हैं। तो ओवुलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वन मैच्योर ओवम ईच मंथ इनटू द ओवरी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हर महीने एक ओवम का मैच्योर होना वो होता है ओवुलेशन। 2 to 3 lakh इमेच्योर ओवा इन ओवरी एट बर्थ, ठीक है। वुमेन के बर्थ के टाइम पे उसकी ओवरी में 2 to 3 lakh इमेच्योर ओवम होते हैं, ठीक है। और हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी कॉज ओवरी टू द पी प्रोड्यूसिंग मेल फीमेल सेक्स हार्मोन, ओवा बिगिन टू मेच्योर, ओवम कैन लाइव अबाउट 2 days इन फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो ओवा होते हैं वो 2 दिन तक ही लाइव रह सकते हैं। वन स्पर्म विल एंटर ओवम, ठीक है। और जो वन स्पर्म जो होता है वो ओवम के एंटर होने के बाद में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड कंसेप्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड आर स्वीट ग्लैंड स्पेशलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग सिक्रेटरी सेल फॉर्म वॉल ऑफ बल्ब शेप चेम्बर कोल्ड एल्वोलाई दैट जॉइन टूगेदर विल डक्ट इन द क्रेप लाइक फ्यूजन ए फॉर्म क्लस्टर कोल्ड लोब्यूल्स। तो मेमरी ग्लैंड जो होती हैं वो स्वीट ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट होते हैं वो बाइलेटरली एक्सोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद में लैक्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। और ईच ब्रेस्ट जो होता है वो यूजुअली 2nd to 6th rib तक एक्सटेंड रहता है, ठीक है। और मिड क्लेविकुलर लाइन फ्रॉम लेटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम तक ये रहता है, ठीक है। और एंटीरियरली जो मिड क्लेविकुलर लाइन जो होती है वो कहाँ तक होती है, स्टर्नम के मार्जिन से लेकर, नहीं सॉरी, उसके बाद में अपर जो सुपीरियर टू इन्फीरियर जो ब्रेस्ट होता है वो एक्सटेंड होता है 2nd to 6th rib इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। और जो लेटरल साइड में होता है तो लेटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम से लेकर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड रहता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग सिक्रेटरी सेल्स फॉर्म वॉल ऑफ बल्ब शेप चेम्बर कोल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई के अंदर जो होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो एल्वियोलाई होती हैं उन सबसे एक डक्ट निकलती है, ठीक है, जॉइंट टुगेदर विद डक्ट, डक्ट के थ्रू ये आपस में जुड़ी रहती हैं,
और ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई, ठीक है, और ये गुच्छे में रहती हैं, ठीक है। तो इस गुच्छे को क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स, ठीक है। जो एल्वियोलाई का जो गुच्छा होता है उसको लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ठीक है, न्यूमरस लोब्यूल्स असेंबल टू फॉर्म ए लोब। तो बहुत से लोब्यूल्स मिलके लोब का निर्माण करते हैं, ठीक है। ईच ब्रेस्ट कंटेन ए सिंगल मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 दीज लोब। लैक्टिफेरस डक्ट लीडिंग अवे फ्रॉम द लोब्स वाइडन इनटू लैक्टिफेरस साइनसेस दैट सर्व एज टेम्परेरी रिजर्वोयर ऑफ मिल्क। द ब्रेस्ट बिगिन टू एनलार्ज इन फीमेल एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्रोलिफेरेशन एडिपोज फैट टिश्यू एक्सटेंड द ब्रेस्ट वाइल सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच टू द अंडरलाइंग फीशिया प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन नॉन प्रेगनेंट फीमेल एंड द ग्लैंड एंड डक्ट आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। ओके, थैंक।